तो नेक्स्ट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी। देखो जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर आ जाए, पर लेकिन फिर भी उसमें पैक्ड हैं, स्टेबल है। तो कहीं ना कहीं ऐसी एक फोर्स है जिन्होंने उनको बांध के रख रखा है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जिन्होंने बांध के रखा हुआ है न्यूक्लियॉन्स को, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इसको समझते हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या है कि जैसे सपोज करो आपके पास, आपने मुझे कहा कि सर आज मुझे न्यूक्लियस बनाना है, जस्ट इमेजिन करना है, तो क्या चाहिए? मैंने कहा एक काम कर, कुछ प्रोटॉन पकड़ ला, कुछ न्यूट्रॉन पकड़ ला, पैक कर दे, न्यूक्लियस बन गया। तो ठीक है, आपने कहा ठीक है प्रोटॉन पकड़ लाते हैं, न्यूट्रॉन्स ले आते हैं और न्यूक्लियस बन जाएगा। तो प्रोटॉन कितने लेके आने हैं, जस्ट इमेजिन करना है। प्रोटॉन आप मान लो 2 kg ले आए, इमेजिन करना है 2 kg प्रोटॉन ले आए, और सपोज 3 kg आप जो है न्यूट्रॉन ले आए, तो आपने क्या बनाया, न्यूक्लियस। ये एक्सपेक्टेड था कि न्यूक्लियस 5 kg का बनेगा, बना ही नहीं 5 kg का, जब देखा तो उससे कम बना। अब समझ नहीं आया मास गायब कहाँ हो गया, या तो पीछे से मास कम था, पीछे से मास बराबर था, तो फिर कहाँ गया मास, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें जो चेंज इन मास है वो क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन में से क्या माइनस किया, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो बेसिकली तो जब मैंने प्रोटॉन का इंडिविजुअल मास लिया और इसमें से इन्हें माइनस किया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मास में चेंज, जिसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट आ गया। ये मास डिफेक्ट को अगर मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी में। तो इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये गायब नहीं हुआ, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और इस एनर्जी ने ही सभी न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखा हुआ है। तो क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहां तक, कि बेसिकली इंडिविजुअल मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ज्यादा होते हैं, न्यूक्लियस का मास क्या होता है, कम होता है। तो इसमें जो इसके अंदर जैसे सपोज करो जो बाइंडिंग एनर्जी है, हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी है जो भी मास में डिफेक्ट आया उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मान लो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है, तो प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन्स हैं एक एटम में, जेड प्रोटॉन्स हैं, और एक प्रोटॉन का मास एमपी है। तो कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स हैं, एक न्यूट्रॉन का मास एमएन है, और न्यूक्लियस का मास कैपिटल एन के साथ है। तो मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल मास ऑफ प्रोटॉन, इंडिविजुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन में से न्यूक्लियस का मास माइनस कर दिया, तो मास डिफेक्ट आ गया, और इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे एक्सप्रेशन को, तो क्या आ गई, एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो ये एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। और इसके बेस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर में क्या लेना देना है, तो इसको एक बार हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्ड क्यों यूज किया, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। Oh.